तो बीजेपी तो कह रही है कि कानून से फायदा होगा, तरक्की होगी किसानों की। कौन कह रही है? बीजेपी कहाँ से कह रही है? इन्हें जरूरत क्या पड़ रही है कोरोना में इन कानून लाने की, लेके आए? आप बता रही कुछ? अच्छा, कोई इमरजेंसी क्लॉज लगाने की जरूरत थी? काम ठीक चल रहा है, क्यों नहीं आए भैया? कह रहे थे 70 सालों से नहीं आया, तो अब लाए। तो 70 साल से तो 15-15 लाख भी ना आए, ये कह रहे हम आते ही दे देंगे। नहीं दे दिया इन्होंने, तुम्हें भी मिले? कुछ लोगों को मिल गए ना जो समर्थन। मनमोहन जी की सरकार में पूरे देश में आंदोलन करे किसान ने, और सूपड़ा है वो साफ, इनके भी 3 रह जाएंगे यही पे बने रहे तो। ये 3 MP रह जाएंगे विपक्ष में, ढूंढो ना मिला ही ना कोई। लेकिन अमित शाह करे 50 साल राज करेंगे। कहाँ से करेंगे? अमित शाह पे वर्कशॉप है आदमी बनाने की जो वोट गिर देंगे। ये देश की जनता ही तो वोट गिरेगी भाई। सही कह रहे हैं, वोट तो हमने भी बीजेपी है नहीं है, तुमने भी नहीं है, गलत काम करेंगे तो भागो। लोकतंत्र के मायने क्या है? जनता का जनता से राज चलाना लोकतंत्र है। जनहित के आगे देश का संविधान और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के कद छोटे होते हैं देश के आगे, जनता के हित के आगे। अब तुम तो जनहित ही खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम संविधान बदलने आए हैं। संविधान बदलने आए तो फिर तो देश ही बदल जाएगा, हम कहाँ जा कर रहे हैं भाई? तो देश बदल तो रहा है। कहाँ बदल रहे हो? कहते हैं देश बदलना है। कहाँ बदल रहे हो भैया? 1952 में धान को रेट 3,350, आज बिक्रो 1,200। बदल गो देश ना रहा, 1,800 से 1,100 आ गया, इतना बदल रहा आप देख लो तुम। गेहूं का ये समर्थन मूल्य 1900-2000 को लेके आए, गेहूं बिके 1,500, बदल गए हो देश। लेकिन ताओ ये बताओ इन कानूनों से दिक्कत क्या है आपको? इन कानूनों से फायदा कहा तुम ही बता दो हमें तो। इन्हें फायदा हमें समझा जाओ तुम। वो कह रहे हैं कि आपकी आय जो है दोगुनी हो जाए। कौन है वो कहने वाले? 10,000 रुपए पहले कमाते हैं, 20,000 हो जाए। कहाँ से कमाते हैं 20,000? किसानन के बालकन की फीस ना जा रही ना पतो, वहाँ बैठ के बकवाद कर रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। एक मंदिर मंदिर में तो चांदी की ईंट जा ठोकी इन्होंने, हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो मंदिर तो इनके मैनिफेस्टो में था ना सर? नहीं, इनके मैनिफेस्टो में तो 15 लाख भी है ना, वो तो दिए ना। वो तो तुम भी डोलो इन मोबाइल ने लिए मिल जाते, कुछ हिल्लो करते। हाँ यार, इनके मैनुफेस्टर से क्या ले रू दे रू हम? जुमला था वोट लेने के लिए बोला था। तो ये भी जुमला ही है, इनको कचरा खूको या कानून लेके आए अपने, इनको काम चल रहा चलाते रहते। अच्छा, सरकार कह रही है कि आप लोग किसान नहीं हो, सरकार तो ये कह रही है हम किसान ना है, आतंकवादी है। फिर तुम गाय को आगे भी है आतंकवादी में? नहीं, हमने किस, वो सरकार कह रही है कि आप लोग सरकार नहीं हो। सरकार कह रही है, हम कह रहे हैं सरकार में नेता ही ना आ जा, हमारी बात है लिखवा दे और हमें फांसी चढ़वा दीजो, कोई बात नहीं आ रही है। जिंदाबाद। वो कह रहे हैं हम किसान नहीं है, हम कह रहे हैं वो लीडर नहीं है, जाके बोलो क्या मतलब है यह चीज को। जनता ने चुन के ये बैठा है, हमारे कर्जदार है वो, हम उनके कर्जदार नहीं है। ये लोकतंत्र की भाषा बोल लूंगा मैं। अच्छा, तो बिल किसके लिए? अगर किसानों के लिए नहीं तो किसके लिए? किसके लिए बिल? किसान पूंजीपति के नहीं है, इन्हें अडानी अंबानी और जितने जन कौन कौन है भगवान जाने, ये बगे बगे जो इन 20 साल में मालदार हुए वो बढ़ाने आगे को, और कोई ना बढ़ाना हो इन्हें। कह रहे हैं आप नोटबंदी कर दे, नोट बदल दिए, कहाँ का कारो धन ले आए कहीं से, आए हो इन पे कोई दो आने आए कहीं से इन पे? वो कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है। अच्छा, पहले कौन के हाथन में हो? कमाल के आदमी है यार। क्यों आप मजबूत प्रधानमंत्री मानते हैं? किसे? मोदी जी को। झूठ बोलने के से बना हुआ कच्छ भी बहकानो ज्यादा और काम करनो कम। झूठ? हाँ बिल्कुल झूठ, 100%। जुमलाबाजी, जुमलाबाजी। लेकिन वो कह रहे पहले प्रधानमंत्री तो बोले ही ना ये, अब के बोले तो 70% झूठ बोले। 10 साल पहले ने निकाल दी, अब 10 साल अब निकली जाए जय सिया राम। अच्छा बाबा जी, आप कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, वो बेटा कर रहे हैं, लेकिन वो जीत कैसे जाते हैं हर स्टेट में? भैया या देश में जो है ना 100 करोड़ बड़े भोले भाले लोग हैं, मैं दूसरी भाषा तो नहीं बोलूंगा उनको, उन्हें कैसी बहका लो यार। 60 साल से कांग्रेस बहकाती चली आई, सपा बारे बहकाए गए, बसपा बारे बहकाए गए, ये बहका रहे, हमें तो बहकनो है। बीजेपी भी कहती है वो 100 करोड़ नुकसान हो रहा है किसान का। कैसे कैसे? बीजेपी भी कहती है कि वो 100 करोड़ लोगों की सरकार है, और हम भी कह रहे हैं 100 करोड़ बेवकूफ का कौन है? बेवकूफ नहीं कहीं भोले, भाषा को सही करो अपनी को, तुम भी भोले हैं, भोले लोगों ने कैसी बहका लो। लेकिन सरकार कह रही है कि आप लोग किसी ने बहका दी और सड़कों पर उतरने, पागल है हम, बहका दिए इनते भी कम पढ़े लिखे हैं, हम जो बैठे कहा ऊपर इनते कम पढ़े लिखे हैं, इनमें आधे ज्यादा तो ऐसे जिन पर 10वीं पास ना हुई वो भी लीडर बन गए। अच्छा, आधे से ज्यादा विधायक MP ऐसे यार 10वीं की सनद ना लिख रहे जाके।
इनसे भी कम पढ़े लिखे हैं हम भाई, बड़ी कमाल की बात है। क्या लग रहा सरकार तो लगने सरकार ये ना कानून ना वापस लेगी और लेने पड़ेंगे, ये जितनी जल्दी इनकी समझ में आ जाए उतनी बढ़िया है। टकराव की स्थिति होगी ना, टकराव को इनसे कमजोर ना आए हम, जब हम इन्हें बना सके तो खींच भी सके। मारो कितने आदमी न मारेंगे, 7 साल हो गए सरकार को, आज तक कोई कानून वापस नहीं लिया किसने, सरकार ने वापस ना लियो तो यहाँ के ऊपर एक कानून बनावेगी MSP को, मतलब वापिस हम ना कह रहे MSP हमारी लागू कर दे या कानून कहीं ले जाए, हमें कोई मतलब ना आया कानून से। 5 बीघे को किसान तमिलनाडु में बेचेगो, अमेरिका में ले जाके माल बेचेगो। 70-80% किसान ऐसे हैं जिन पे 1 से 1.5 एकड़ जमीन है, बुग्गी भैंसा वहाँ पे है नहीं, माल बेचेगो ले जाके वो सिंगापुर में। ये जो आंकड़े आप बता रहे सरकार के पास आंकड़े नहीं, इनपे कहे के आंकड़े, इनपे अपने आंकड़े ना आगे कोई आगे ही ना उधरी हो जाके कामो खा की यार, इनपे आंकड़े धरिए गरीबन पे, 50 साल से इनके 2 MP आ रहे हैं, इनपे है आंकड़े, ये तो बोली जनता बहकाली दे दी, अब बेर बेर तो बहको ना जाएगो। अब यहाँ से कहाँ जाओगे, दिल्ली जाएंगे, सपा सूदी बात है, पुलिस तो नहीं जाने, मारेगी पुलिस मर जाएंगे यार, क्या है वो फिर ले तुम ये चिलम सिए लेके फिर आ जियो के इतने मर गए और कहाँ होने आगे, उल्टे नहीं जाएंगे, उल्टे जाने का मतलब है पीछे नहीं हटोगे, क्यों हटे पीछे, इनका कमजोर है शुगर ना है की पहली बात बता, किसान का भी पीछे हटता देखा तुम लोगों ने, एक मिनट बेटा, हमारे शुगर ना है इनकी 90 वाले 80% का शुगर 400 लिख रहेगी, इन्हें नींद आती नहीं है, इनसे कमजोर है हम, जो रुक जाएंगे इन पे हम, लेकिन पुलिस को तो नहीं है ना शुगर, तो पुलिस बजाओ ना यार, पुलिस ने कौन मना कर दी, खूब बजाओ, कहने मारेंगे 10 अन्य 20 अन्य 100 अन्य 200 अन्य, तो 3 तारीख को बुला, ओवर कॉन्फिडेंस में है ये सरकार, ओवर कॉन्फिडेंस में। हाँ तो 3 तारीख कृषि मंत्री तो पूछो हलाके होने 1 साल हलाके होने, कृषि मंत्री ये कह रहे हैं 3 तारीख को आ जाओ तो इंतजार कर लो, तो 3 तारीख तक कृषि मंत्री कहाँ है, आफत में आज मिल ले, आज मिलने कोई परेशानी है, 1-2 लाख आदमी 4 लाख पूरे देश को किसान ये परेशान है, तो कृषि मंत्री आज ना मिलने कहाँ है, कोई आफत आ रही है कृषि मंत्री है, कहीं बिजी होंगे शेड्यूल उनका, तो बिजी रहें दो, तो हम ठंड में मरेंगे, अगर कोई भी सक्षम अधिकारी आओ, चलिए ठीक है सर।